पंचमढ़ी हिल स्टेशन के सतपुड़ा पर्वत के ऊपर चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और माना जाता है कि शिव जी स्वयं इस जगह पर आए थे और यहाँ पर वो अपना त्रिशूल छोड़ के गए थे। तब से लेके आज तक यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की प्रथा है। तो चलिए यात्रा को शुरुआत करते हैं। पंचमढ़ी से चौरागढ़ 11 किलोमीटर के दूरी पर है। चौरागढ़ महादेव की तरफ जाते वक्त आपको ये ग्रीन वैली व्यू पॉइंट नजर आता है। यहाँ से आपको बहुत ही बड़ा लैंडस्केप में वैली का व्यू नजर आता है। सामने आप देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया नजारा है। चौरागढ़ महादेव जाने से पहले हम बड़ा महादेव जी का दर्शन करेंगे और ये जगह बहुत ही बढ़िया है और बड़ा महादेव जी का मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकृति के बीच में बसा हुआ है। बड़ा महादेव जी का मंदिर चौरागढ़ के इन प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। भस्मासुर को वरदान मिला था कि वो जिसके सर के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी जो कि शिवजी के सर के ऊपर हाथ रखने निकल पड़ा और शिवजी भस्मासुर से बचने के लिए इसी चौरागढ़ के गुफा के अंदर छुपने के लिए आ गए थे। फिर विष्णु भगवान जी ने यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वहाँ पर भस्मासुर का वध किया था। वहाँ पर बड़ा महादेव जी का एंट्री गेट है और ठीक उसी के सामने गुप्त महादेव जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और बड़ा महादेव जी से गुप्त महादेव ओनली 500 मीटर के ही दूरी पर है। बड़ा महादेव जी से मात्र 5 मिनट चलने के बाद ही हम पहुंच चुके हैं गुप्त महादेव जी के पास में और पंचमढ़ी एक ऐसी जगह है यहाँ पर ज्यादा करके शिवलिंग गुफा के अंदर स्थापित है और आप गुप्त महादेव जी भी देख सकते हैं कितने सक्रिय कितने छोटे गुफा के अंदर विराजमान है। और इस गुफा के अंदर जाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान से जाना है क्योंकि ये पंचमढ़ी की सबसे सक्रिय और छोटी गुफा है। गुप्त महादेव जी के हमारे दर्शन हो चुके और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं। आपने देखा कि गुफा के अंदर से दर्शन करना होता है और अभी हम प्रस्थान कर रहे चौरागढ़ महादेव जी की ओर। गुप्त महादेव से ही चौरागढ़ महादेव का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है और टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर का है जो आपको तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। गुप्त महादेव से लगभग आधा घंटा चलने के बाद जो चौरागढ़ का बेस पॉइंट है वहां तक हम पहुंच चुके और यहां से हमारी असली चढ़ाई चालू होने वाली है। यहां पर लिखा हुआ है पहली पायरी यानी कि यहां से शुरुआत हो चुकी है। तो भोले बाबा का नाम लेते हुए इस यात्रा का अभी प्रारंभ करते हैं क्योंकि यही से तो असली चढ़ाई शुरू होती है। चौरागढ़ महादेव जी को बड़ा महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण माह में और महाशिवरात्रि को ज्यादा संख्या में चौरागढ़ की यात्रा पर भक्तगण आते हैं। सीढ़ियाँ खत्म हो चुके और अभी ये प्लेन रास्ता स्टार्ट हुआ है। रास्ते से ट्रैकिंग करते वक्त आपको ऐसा प्लेन पैच लगेगा, बीच में सीढ़ियाँ आएगी, इसी रास्ते से चलने में थोड़ा अच्छा लगता है। 15 मिनट ट्रैकिंग कर आने के बाद आपको ये सीता माता की गुफा नजर आएगी। यहाँ पर लिखा है सीता नहानी गुफा। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पहाड़ी है और नीचे ये गुफा है। गुफा के अंदर जो भी भक्तगण आते हैं वो अपनी मनोकामना अनुसार ऐसे पत्थर रखते हैं। सीढ़ियों से चलकर आप जैसे ऊपर आओगे सामने अगर आप ध्यान से देखें इस पेड़ की तरफ तो सामने आपको चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर नजर आएगा। चौरागढ़ के इस ब्यूटीफुल वादियों से गुजरता हुआ मैं अकेला ही जा रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर भक्तगण आपको अभी नज़र नहीं आएंगे। श्रावण महीने में और जब महाशिवरात्रि होती है तभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और अभी आप देख सकते हैं हर जगह मुझे शांति महसूस हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है और बहुत ही बढ़िया जगह है। आपको इस ट्रैक पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इस माउंटेन के ऊपर से पानी टपकता हुआ नीचे आ रहा है और यहाँ पर आपको दिखेगा कुंड, उसमें जमा हो रहा है तो ये पानी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये पानी आप पी सकते हैं समर के सीज़न में जब धूप ज़्यादा होती है तब आप ये पानी पी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी हर समय आपको मिलेगा। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है। पंचमढ़ी का सबसे बढ़िया व्यू मुझे इसी जगह पर नजर आया और सामने ही चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर भी मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर एकदम ऊपर और इस रास्ते से हमें जाना है ऐसे घूमते हुए और ये जो माउंटेन दिख रहा है आपको इसको घूमते हुए ऐसा क्रॉस करके आगे जाना है। फाइनली हम महादेव जी के मंदिर तक जाने वाली सबसे पहले लोहे की सीढ़ियों के पास में पहुंच चुके और यहाँ पर पहुंच जाने के बाद
आप समझ लेना कि आपको थोड़ी सी और खड़ी चढ़ाई करनी होगी। चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर आपको सामने क्लियरली नजर आ रहा होगा, और उन सीढ़ियों से चलकर आने के बाद आपको ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी कॉन्क्रीट की, और यहाँ पर जब आप पहुँच जाओगे तो आप समझ लेना यह अभी पास ही में, यहाँ तक आ जाओगे तो 80% रूट कवर हो जाता है। सीढ़ियों से 10 मिनट चलने के बाद आपको ये पंचमढ़ी के ब्यूटीफुल से सतपुड़ा पर्वत नजर आएंगे, और ये ब्यूटीफुल नजारा देखने के बाद आप समझ लेना कि आप चौरागढ़ मंदिर तक पहुंचने वाले हो। और फाइनली हम प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके, और पूरा जहाँ से बेस पॉइंट से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से यहाँ तक आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप रुक के आराम से आते हो तो 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाओगे। फाइनली मैं चौरागढ़ मंदिर तक पहुंच चुका हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। मंदिर के अंदर हमारे दर्शन हो चुके हैं, और दर्शन होने में मात्र 2 मिनट का समय लगा। यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि इस पहाड़ी पर चौरा बाबा साधु तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए थे, और दर्शन देते वक्त शिवजी अपना त्रिशूल इस जगह पर छोड़ गए थे। तब से लेकर आज तक यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की प्रथा है, और इसीलिए इस जगह को चौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर के पीछे आना, यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू नजर आ रहा है, और यहाँ से आपको पंचमढ़ी भी नजर आता है, और ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है। जो 1st हाईएस्ट पॉइंट है वो धूपगढ़ में। चौरागढ़ महादेव जी के हमारे दर्शन संपूर्ण हो चुके, और जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी, बड़ा महादेव जी, गुप्त महादेव जी, वहीं पर हम अभी वापस जाने वाले, तो देखते हैं नीचे जाने में कितना समय लगता है। फाइनली 1.5 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद हम नीचे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी बड़ा महादेव जी से। अगर आप चौरागढ़ महादेव जाते हो तो कुछ भी करके 5:30 बजे से पहले आप नीचे आ जाना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है पूरा, तो आपको सेफ्टी का भी आपका ध्यान रखना है और नीचे जल्दी आ जाना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।